LIC जीवन लाभ उन लोगों के लिए है जो कम समय तक प्रीमियम भरकर एक अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ बेनिफिट दोनों लेना चाहते हैं। यहाँ ₹65 दिन का जमा करने पर व्यक्ति को मिलता है 13 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट, अलग से एक डेथ बेनिफिट और कम से कम 9 साल प्रीमियम भरने से छूट। जानिए कैसे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 8 to 59 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ 75 ईयर्स तक है। मिनिमम सम मैच्योर्ड यहाँ व्यक्ति को कम से कम ₹2 लाख मिलेगा और मैक्सिमम वो ₹2 लाख से ऊपर कितना भी सम मैच्योर्ड चाहे तो चुन सकता है। यहाँ आप एक रीजनेबल सम मैच्योर्ड चुनने पर अपने प्रीमियम अमाउंट पर रिबेट यानी कि डिस्काउंट भी उठा सकते हैं। 5 लाख से 9 लाख 90 हजार का सम मैच्योर्ड चुनने पर आपको मिलती है अपने प्रीमियम अमाउंट पर 1.25% की रिबेट। 10 लाख से 14 लाख 90 हजार पर 1.5% की रिबेट और 15 लाख से ऊपर सम मैच्योर्ड पर 1.75% की रिबेट। LIC जीवन लाभ यहां व्यक्ति को पॉलिसी टर्म चुनने के 3 ऑप्शंस देती है, जिनकी खास बात ये है कि इनमें आपको पूरे पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम नहीं भरना। पॉलिसी टर्म पूरे होने से कुछ साल पहले ही आपका प्रीमियम भरना यहाँ जाना बंद हो जाएगा। पॉलिसी टर्म के वो 3 ऑप्शंस हैं 16 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। 16 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में आपको यहाँ सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना होगा, 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में 15 साल प्रीमियम और 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम भरने की आवश्यकता है। देखा जाए तो इस प्लान की टैगलाइन भी यही है, प्रीमियम रुक जाए फायदे चलते रहें। चलिए अब सीधा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कोई ₹65 दिन में यहाँ ले पाएगा एक अच्छा खासा बेनिफिट। मान लीजिए एक 25 साल का व्यक्ति है और वो यहाँ 5 लाख का सम मैच्योर्ड चुनता है 25 साल के पॉलिसी टर्म पर। अब इस व्यक्ति को यहाँ सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम भरना है। 16वें साल के बाद बाकी के 9 साल हैं इनके बिल्कुल फ्री। 16 साल तक जो इन्हें यहाँ प्रीमियम भरना होगा वो बनेगा दिन का ₹65 यानी कि महीने का ₹1,968। टोटल 16 साल में जाके जो ये व्यक्ति प्रीमियम भर चुके होंगे वो होगा ₹3,70,878 और पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पर जो अमाउंट इस व्यक्ति को यहाँ इनके बैंक अकाउंट में LIC द्वारा दिया जाएगा वो बनेगा ₹13,12,500 अप्रोक्सीमेटली। ये मैच्योरिटी अमाउंट 3 कंपोनेंट्स को मिला के बना है, सम मैच्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम मैच्योर्ड यहाँ फिक्स्ड रहेगा जो है 5 लाख। अब आइए समझते हैं हमने ये बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस कैसे निकाला है। बोनस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000 इनटू बोनस रेट। बोनस रेट यहाँ हर साल LIC द्वारा निकाला जाता है और पिछले कई सालों में ये ₹49 के आसपास रह चुका है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए चलिए हम ₹47 का रेट ही पकड़ लेते हैं। अब ये आ जाता है 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 47 विच इज इक्वल टू 23,500। ये 23,500 इस व्यक्ति को हर साल मिल रहा है उसके पॉलिसी टर्म तक, इसलिए इसे हम उसके पॉलिसी टर्म 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23,500 इंटू 25 करने के बाद बोनस अमाउंट आ जाता है ₹5,87,500। अगला कंपोनेंट है फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस का अलग रेट होता है और वो ओवरऑल एक ही बारी काउंट करके व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ फाइनल एडिशनल बोनस का रेट मिलता है ₹450 और इसमें भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000 इनटू बोनस रेट, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 450 विच इज इक्वल टू ₹2,25,000। सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ऐड करके ही टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है ₹13,12,500 अप्रोक्सीमेटली। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 5 साल पहले ही यहाँ इस व्यक्ति की 45 इयर्स की एज में डेथ हो जाती। डेथ हो जाने पर इस व्यक्ति की फैमिली या नॉमिनी को पॉलिसी का सम एश्योर्ड अमाउंट प्लस बोनस अमाउंट दे दिया जाता है। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इस केस में व्यक्ति की फैमिली को मिलेगा अप्रॉक्स 10 लाख का डेथ बेनिफिट। अब कुछ ऐसी बहुत जरूरी बातें जो इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको जाननी चाहिए वो है, पहली, LIC जीवन लाभ में आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है, यानी कि आप चाहें तो पॉलिसी लेने के 15 दिन में इसे वापस कर अपना पैसा ले सकते हैं। दूसरी, इस पॉलिसी में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, यानी कि अगर आप गलती से अपना प्रीमियम अमाउंट भरना भूल जाते हैं तो भी आपके पास 30 दिन का वक्त रहता है उसे भरने के लिए।
तीसरा पॉइंट है, इस पॉलिसी को 2 साल चलाए रखने के बाद आप चाहें तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। फोर्थ, सेक्शन 80C के तहत आपने साल में जितना भी प्रीमियम भरा हो, आप 1.5 लाख तक की लिमिट के साथ उसका टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी लेते वक्त उसे और मजबूत बनाने के लिए आप नीचे बताए गए एडिशनल राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर।